नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आज दुर्गा महानवमी के दिन महासिद्धिदात्री की पूजा होती है। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए विशेषकर नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजक पूजन का विधान है। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा आराधना की। पूरे देश में आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। अलग अलग जगहों पर मंदिरों में पूरे दिन पूजा अर्चना होती रही। यदि कोई जातक त्रिकोण करता है तो उसका जो भी मनोकामना है वो महामाया जगदम्बा पूर्ण करती हैं। त्रिकोण के अंतर्गत महामाँ जगदम्बा, माँ विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं, जो जातक को धन संपत्ति संपन्न करती हैं, और महाकाली जातक के ऊपर जो भी यंत्र तंत्र मंत्र दृष्टि जनित दोष उन दोषों का निवारण करती हैं, और अष्टभुजा माता जातक को बुद्धि और सत्य विद्या ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। अर्थात आज के दिन त्रिकोण का अद्भुत संयोग है। जो आज के रात्रि में त्रिकोण कटा है, महामाया माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण शक्ति जातक की सकल मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जातक को मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी। आज किस तरीके का पर्व वगैरह मनाया जा रहा है? आज आश्विन नवरात्रि का नौवां दिन है और आज सुबह प्रातःकाल मंदिर पर कन्या पूजन हुआ, जिसमें कन्याओं को पाठ्य कार्यक्रम की पुस्तकें, बैग, टिफिन आज देकर भेंट किया गया। और आज रात्रि में माँ भगवती के 56 भोग दर्शन, माँ वैभवलक्ष्मी जी के 56 भोग दर्शन, साथ ही साथ उनका वितरण भी होगा। और पथवारी प्रांगण में पहली बार माता जी को नौका में बिठा करके उनको नौका विहार की लीला का मंथन किया जाएगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। सुबह 3 बजे से भीड़ लगी हुई है और असीमित संख्या में भक्त बाहर खड़े हुए हैं और अभी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोगों से निवेदन है जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी करते रहें। आध्यात्मिक बहुत बड़ा पर्व है, इस पर सभी लोग बड़ी बढ़ चढ़ कर माता के दर्शन पर, सभी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन कर रहे हैं, माता का स्नान करा रहे हैं, माता का भोग लगा रहे हैं। सभी लोगों में बड़ा ही उत्साह है और ये आध्यात्म का एक तरह से बहुत बड़ा नगर स्तर पर मेला है, जहाँ सभी लोग, सभी श्रद्धालु बहुत ही भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। उत्साह है लोगों में, आध्यात्मिक पर जो जागरूकता है और एक नया आयाम इस बार पथवारी मंडल ने किया है। पथवारी मंडल की समस्त कमेटी ने जिस तरह से इस बार नगर में इन्होंने जो यात्रा निकलवाई, उसके लिए भी पथवारी मंडल पूरी तरह से मैं धन्यवाद देता हूं उनका, और बहुत ही सराहनीय और योग्य कार्य किया है उन्होंने। मिर्जापुर के माँ विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। यहाँ डिप्टी सीएम ने माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया और यहाँ उन्होंने कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो सुशासन और विकास देखने के लिए मिला है वो बना रहे और 2022 में जनता के सहयोग और कार्यकर्ताओं के प्रयास से फिर सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जनार्दन के हितों की लगातार रक्षा होती रहे। 2022 में फिर से ना गुंडागर्दी वापस आए, ना माफियागिरी वापस आए, ना अपराध वापस आए, ना जातिवाद वापस आए, जो विकासवाद की गंगा बह रही माँ की कृपा से वह बहती रहे। यही प्रार्थना करके और आशीर्वाद माँ का लिया हूँ, दर्शन किया। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक नित रत्नाकर जी और हमारे दो राज्य मंत्री, हमारे गिरीश जी भी हैं और वहाँ शंकर जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं। रामपुर में हुनर हाट के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी पूर्व नुमाइश ग्राउंड पहुंचे। नुमाइश ग्राउंड में भ्रमण और निरीक्षण के उपरांत प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी हादसे का शिकार हो गए। दरअसल प्रेसवार्ता के दौरान सीलिंग टाइल्स उखड़ कर गिर गई, जिसमें मुख्तार वासी नकवी पाल पाल बच गए। खबर रामपुर से है, जहां हुनर हाट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी ने शिरकत की है। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान सीलिंग टाइल उखड़ कर गिर गई थी, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी बाल बाल बच गए हैं।
आज दुर्गा महानवमी है और आज हर जगह माँ दुर्गा की आराधना की गई है। मंदिरों में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसी कड़ी में आज महानवमी के अवसर पर लखनऊ में इंदिरा नगर इलाके में प्राइम टीवी के सौजन्य से बोंदू महल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करके प्रसाद ग्रहण किया। लोग ये पूजा बंधु महल के नाम से पिछले 8 वर्षों से हम लोग यहाँ आयोजन कर रहे हैं और पिछले 2 साल जबकि कोरोना पीरियड था कहीं भी नहीं हुआ, तब भी हम लोगों ने अपना पूजा ऑर्गेनाइज किया था। 2 दिन तो सप्तमी अष्टमी के दिन तो हम लोग 3 दिन ही भोग करते थे, इस बार 2 साल से सप्तमी अष्टमी को नहीं, आज नवमी के दिन हम लोगों ने सार्वजनिक भोग भी वितरण किया है। उसमें प्राइम टीवी वालों से और भी जितने भक्त लोग हैं उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा योगदान मिला हम लोगों को। इसी तरह हम लोग हर साल करते हैं, उम्मीद करते हैं पिछले साल कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम 3 दिन हम लोग सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन विधिवत इसी तरह से भोग का वितरण करेंगे सार्वजनिक रूप से, ताकि माँ का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। बोलो बोलो दुर्गा माँ की जय। आज महानवमी है और इस शुभ मुहूर्त पे हम लोग आ पहुँचे हैं लखनऊ में इंदिरा नगर में एक बंधु महल क्लब है जहाँ पे दुर्गा पूजा आयोजित किया जा रहा है। तो पिछले 4 दिनों से यहाँ पे हम लोग धूम मचा रहे हैं और आज महानवमी के अवसर में यहाँ पे हमारे तरफ से एक भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे लेडीज़ है, आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ माता रानी के दरबार में बैठे हुए हैं। तो क्यों ना चले हम उन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करें और सुनते हैं उनकी जवानी। तो हमारे साथ यहाँ पे ढेर सारी लेडीज़ मौजूद है और उन्हीं में से शिवांगी जी हमें कुछ बताना चाहते हैं। शिवांगी जी बताइए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हेलो, मेरा नाम शिवांगी है, हम लोग बोंदू महल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड यहाँ पर 4-5 दिनों से काफ़ी अच्छा समारोह चल रहा है एंड और आज हमारे यहाँ नवमी का था, अभी अभी यहाँ पे यज्ञ ख़त्म हुआ है और हम लोगों के आज भोग भी है। काफ़ी 300-400 लोगों के अप्रॉक्स यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो हो रहे हैं एंड बस मैं सबको यही शुभकामना देना चाहती हूँ कि हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा, थैंक यू। तो अभी हम आए हैं बंधु महल के द्वारा जो भंडारा लगाया गया है जहाँ पे आज लगभग 500 लोगों के भंडारे के आयोजन हुआ है। तो पूछते हैं यहीं के मेंबर्स से कि क्या है ये भंडारे का राज। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादा, दादा बताइए कुछ। जय माँ दुर्गा। आज हमारे यहाँ नवमी का भोग वितरण हुआ है जिसमें हम लोग पायस दिया है, चचोड़ी दिया है, खिचड़ी दिया है, पापड़ दिया है, चटनी दिया है और सब बहुत ही ज़्यादा इसके आनंद के साथ इसका ग्रहण किया है, उसके उपरांत सब ने बहुत तारीफ करी है। और दोस्तों मैं अभी भी बता देती हूँ ये भंडारा ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि अभी भी जो है भोग चढ़ता जा बनता जा रहा है और चढ़ता जा रहा है। तो जय माता दी। तो हमारे यहाँ पे पूजा कमेटी के मेंबर है तो आइए बात करते हैं इनसे यहाँ की पूजा के बारे में। नमस्कार। बंधु महल क्लब में मैं जब से क्लब उद्भव हुआ है तब से मैं मंडप का कार्य देख रहा हूँ। हम लोगों ने इस क्लब की मतलब स्थापना एक चाय की दुकान में बैठ के बातें करते करते किया था और सोशल वर्क करने की हम लोग की बड़ी तमन्ना थी। हम लोग इस दुर्गा पूजा से जो पैसा बचता है उससे डिफरेंट टाइप के सोशल काम करते रहते हैं, उसमें से जैसे गरीब बच्चों को ट्यूशन देना, वर्तमान में बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज है उसके लगभग 30 बच्चों का स्पॉन्सर करते हैं हम लोग ईयरली फी। इसके अलावा एक बार विधवाओं का हम लोगों ने सम्मान किया था, चादर दे के उनको लंच खिला के सम्मान किया था। इस तरह से सोशल काम जैसे हर साल हम लोग अपना जो एक ईयरली डे होता है उस दिन जो है गरीब बच्चों को स्टेशनरी बांटते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था हम लोगों का कि गवर्नमेंट के स्कूल में गवर्नमेंट फ्री में बुक्स देती है बट उन बच्चों को जैसे ड्राइंग करने की क्रिएटिविटी अगर उनके अंदर है वो सब चीज़ को पूरा कैसे करें इसके लिए सोचा गया और फिर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 500 बच्चों का हर साल हम लोग अपने ईयरली उसमें स्टेशनरी गिफ्ट करते हैं, उसमें ड्राइंग का कॉपी रहता है, बुक्स रह और 4 अदर कॉपीज होती है, क्रेयन कलर्स रहता है, एक बैग रहता है, एक स्केल रबड़ सब कुछ देते हैं ताकि बच्चे उसको करें और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो निकले। दुर्गा पूजा हर साल मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं। कल रात को संधि पूजा था,
संधि पूजा दुर्गा पूजा का एक अहम पूजा होता है। संधि मतलब जैसे आप लोग जानते हैं महाअष्टमी का अंत और महानवमी का जो प्रारंभ है उसके 24-48 मिनट जो करके ये पूजा होता है। इस पूजा में भगवान को आवाहन करके उनकी स्थापना करके उनका उसमें बलि चढ़ा के 108 कमल के फूल और 108 दिया जो लोग व्रत रहते हैं सवेरे वो लोग इसको जलाते हैं। कल रात को 11:25 से 12:13 तक ये पूजा बहुत सुंदर ढंग से हमारे यहाँ समापन हुआ। लगभग 100-125 व्यक्ति थे उस समय। और आज शाम का स्पेशल अट्रैक्शन है, हम लोग यहाँ बंगाल से ढाकी आए हैं और वो ढाकी हमारे ख्याल से लखनऊ में जितने भी पंडाल है उसमें से बेस्ट है। आज शाम को अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उन लोग ढाक बजाते बजाते ऐसे करतब हैरतअंगेज करतब करेंगे जो कभी आपने देखा नहीं। कल इन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया, एक नोट किसी ने इनके बजाने पर खुश होकर दिया था, उस नोट को उसने ज़मीन में रखा और बजाते बजाते अपने आँख के इस कोने से उस नोट को दबा के उठाया। और ढाक में बोल होते हैं, जो दो ढाक के लकड़ी होती है उसमें बोल होते हैं, 4, 8, 16, 32 काठी कहते हैं हम लोग इसको। उस काठी में अच्छे ढाकी की ये पहचान होती है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग हो, एक काठी और दूसरे काठी जो पड़ रही है जितनी भी तेज पड़े वो आवाज़ बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो, वो चीज़ उन लोगों में है। तो आज शाम को आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, बंधु महल के पंडाल में आइए, आप ऐसा चीज़ कभी नहीं देखे होंगे जो आज यहाँ देखेंगे। जी ज़रूर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के सारे बंधु महल के मेंबर्स के साथ, और हम ज़रूर आज शाम को आएंगे और इस झांकी का आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर पैकेज से 1 से पैकेज से 8 तक के स्थलीय निरीक्षण का निर्माण कार्य में प्रगति का जायजा लिया। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शीघ्र ही उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे का मेन कैरिजवे पूरे तरह से तैयार हो चुका है। एक्सप्रेसवे पर शेष बचे निर्माण कार्यों में तेजी से पूरा कराने के निर्देश योगी सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा है। आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग भी यहां पर हो सकती है। बिजनौर के उत्तम शुगर मिल बरकतपुर चीनी मिल के बायलर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा हुई। इस मौके पर इकाई के संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह, डिस्टिलरी इकाई के उपाध्यक्ष जेवी त्रिपाठी और अन्य चीनी मिल अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह ने कहा कि पिछले वर्षों की भांति आगामी पेराई सत्र में हमारे किसान भाई चीनी मिल का ताजा साफ सुथरा गन्ना आपूर्ति करें ताकि किसान विकास दोनों सुरक्षित रहें। नरपत सिंह ने बताया कि अंतिम सप्ताह में पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। चीनी मिल के पिराई सत्र का सबसे महत्वपूर्ण पूजन बॉयलर में अग्नि प्रवेश से होता है, क्योंकि बॉयलर की ही स्टीम से पावर जनरेट होता है, टरबाइन चलती है और उसी से पूरी चीनी मिल चलती है। तो ये चीनी मिल के शुभारंभ का प्रथम कार्य होता है, इसमें कि शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रवेश किया जाता है और बॉयलर से ही पूरी फैक्ट्री का संचालन, क्योंकि अगर बॉयलर सही तरीके से न चले तो न बिजली बन सकती है न चीनी मिल सकती है, तो इसलिए बॉयलर पूजन सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ताज नगरी आगरा में ट्रांसपोर्ट नगर का निरीक्षण किया गया और ट्रांसपोर्ट नगर का निरीक्षण करने के लिए ADAVC पहुंचे। बता दें कि किटी जेट की बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर के शिफ्ट होने की बात कही गई थी और सर्वे होने के बाद से जगह को खाली करवाया गया है। निरीक्षण के दौरान ADAVC ने बताया कि विकास प्राधिकरण के 47 प्लॉट खाली हैं और पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट नगर एक ही जगह पे शिफ्ट होगा।
मिर्जापुर में मझुआ विधानसभा प्रसपा की बैठक हुई। इमामबाड़ा स्थित हनुमान मंदिर पर बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ 12 अक्टूबर को हो चुका है, जिसका जन समर्थन पूरे प्रदेश में जनता समर्थन कर रही है। मिर्जापुर में बहुत जल्द ही रथ यात्रा के माध्यम से आप सभी लोग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अभी से तैयार रहें। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव में आस्था रखते हुए अपना दल के सेक्टर प्रभारी भाग संख्या 2 आशीष पटेल ने आज मझुआ की पार्टी में बैठक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की नीतियों को प्रभावित होकर पार्टी की। सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा जी, विधानसभा के सम्मानित प्रभारी श्री शिवशंकर यादव जी द्वारा ये महत्वपूर्ण मीटिंग रखने का काम किया। मैं सभी ऐसे अपने अध्यक्ष और प्रभारी महोदय को आए हुए सभी जनता जनार्दन से आने वाले समय में जब भी जनपद में रथ यात्रा आएगी उसके स्वागत के लिए जनसैलाब को भरना चाहिए, इसी आशा विश्वास के साथ सभी मीटिंग में आए हुए सभी सम्मानित लोगों। नवरात्र में अष्टमी व्रत के दौरान पड़ोस की डेयरी से मिठाई मंगाकर खाने के बाद 3 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रीठी गांव में बच्चों ने पड़ोस स्थित एक डेयरी से मिठाई खाई, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों की हालत बिगड़ने देख परिजन से भी परेशान हो गए। आनन फानन में प्राइवेट वाहन से लेकर बच्चों को सीएचसी पहुंचे परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। सहारनपुर में आज मुत्ताहिदा मजलिस अमल की ओर से अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कुछ दिन पहले बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से बाजार में लगी मीट की दुकानों की जबरन बंद कराया गया था, जिसके बाद दुकानदारों से हुई नोकझोंक के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया था। उसी घटना के विरोध में आज मुत्ताहिदा मजलिस अमल की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। मुत्ताहिदा मजलिस अमल के लोगों ने बताया कि बजरंग दल के लोगों ने जबरदस्ती त्योहारों में दुकानें बंद करवाई हैं। सिद्धार्थनगर में बनने वाले मध्यान्ह भोजन के बगल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विद्यालय प्रांगण में बने जर्जर भवन में शौच जाने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। टूटे शौचालय गंदगी ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से महामारी का खतरा फैला हुआ है। विद्यालय परिसर में लगे झूले के बगल में बना गड्ढा अब लोगों के लिए समस्या बढ़ा रहा है। शिक्षा के इस मंदिर में की बदहाली का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कटिया मुस्ताकम में। यहाँ पर योगी सरकार विद्यालयों के कायाकल्प को लेकर के तमाम प्रकार के दावे करती है, लेकिन विद्यालय में पहुँच करके ये देखा गया कि यह दावा इस विद्यालय तक नहीं पहुंच पाया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत घर घर शौचालय की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन यहाँ का जो शौचालय है वो पूरी तरह से बदहाल है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बच्चे शौच के लिए एक जर्जर भवन जो विद्यालय प्रांगण में ही है, जर्जर भवन है, इसमें शौच करने को आने को मजबूर है। ऐसे में प्रधानाध्यापक हेडमास्टर जी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चों को उसमें जाने से रोका गया है। प्रधानाध्यापक जी का इतना कहना बहुत था, लेकिन इस जर्जर भवन से अगर कल को कोई हादसा हो जाए, 4-6-10 बच्चे इकट्ठा समूह में जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ पठन पाठन को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं कि इंग्लिश स्कूलों को हम मात दे रहे हैं, लेकिन इस विद्यालय में पहुंच करके ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बच्चे प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं उनका कुछ बच्चे नाम बताने में असमर्थ हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बच्चों के पढ़ाई को लेकर के किस प्रकार से यह विद्यालय परिवार जिम्मेदार है, या आप स्वयं सोच सकते हैं। रहा सवाल, सरकार ये भी दावा करती है कि हम भोजन की व्यवस्था बढ़िया करते हैं, घर जैसा भोजन देते हैं, मेनू के अनुसार बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आज दिन बुधवार है और यहाँ पहुँच करके देखा गया कि आज तहरी और दूध देना बच्चों को चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल डुबकी रोटी और डुबकी क्या है वो बन रहा है, बच्चे दूध से वंचित। इस बारे में प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था करा रहा हूं, लेकिन मध्याह्न का जो समय है 12 से 12:30 बजे तक का समय है, और इस समय आप हमारे घड़ी में देख सकते हैं 12 बज रहे हैं।
ऐसे में बच्चों के लिए दूध की क्या व्यवस्था हो पाएगी, आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। प्राइम टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से रवि प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार विद्यमगंज थाना प्रभारी ने ग्रामीण इलाकों में काबिंग किया। पुलिस और पीएसी के जवानों ने धरती डलवा और बरखोरा सहित ग्रामीण इलाकों में काबिंग किया और ग्रामीणों से कहा कि आप लोग भयमुक्त रहें और सरकार की तरफ से चलाए जा रहे कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगाएं, जिससे आपका सबका जीवन सुरक्षित रह सके। बिजनौर में नगर और क्षेत्र में चोरों का आतंक चरम पर है। प्रशासन के लाख दावे और वादे के निरस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि थाना स्योरा क्षेत्र के गांव चकमहदूर सानी ने चोरों ने बंद पड़े घरों का निशाना बनाया। लाखों रुपए के जेवरात लेकर लोग फरार हो गए। घर का सामान शातिर चोर फरार हो गए हैं और वहीं चोरों के फरार होने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।